हेलो एवरीवन, मैसेल्फ डॉक्टर संदीप संगवान, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर, एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग द एडल मेडुला. सो एडल मेडुला इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एडल ग्लैंड. जैसे कि पहले बताया था इसके एडल ग्लैंड के जो है ना दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक एडल कोर्टेक्स, दूसरा एडल मेडुला. तो एडल कोर्टेक्स के रिगार्डिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि उसका टोटल ग्लैंड का 80% हिस्सा बनाता है. अब आता है एडल मेडुला, जो कि टोटल ग्लैंड का जो 20% हिस्सा होता है और इस ग्लैंड का सेंट्रल पोर्शन होता है. अब इसमें से हॉर्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं? हॉर्मोन जो इसमें से सिक्रेट होते हैं एडल मेडुला से, उनको कैटेकोलामाइंस भी बोला जाता है, कैटेकोलामाइंस. और इसमें से तीन तरह के हॉर्मोन्स इसमें से सिक्रेट होते हैं, जिसमें से नंबर वन है एडेनालिन, दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिनेफ्रीन. नंबर टू इज नोरएडेनालिन एंड ऑल्सो कॉल्ड एज नोरएपिनेफ्रीन. एंड थर्ड वन इज डोपामिन. और इसकी जो हाफ लाइफ होती है कैटेकोलामाइंस की, वो होती है ओनली 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट की इसकी जो है ना हाफ लाइफ होती है. नेक्स्ट क्या है कि एडल मेडुला जो है नॉट एसेंशियल टू लाइफ, कि लाइफ के लिए जो है ना कोई एसेंशियल जो है ना ये नहीं होता. बट इसके हॉर्मोन जो होते हैं वो बॉडी को कुछ इमोशनल स्ट्रोमा, इमोशनल स्ट्रेस या कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन, उनके साथ में डील करने में, उनसे फाइट करने में जो है हेल्पफुल होते हैं. और इसका मेन फंक्शन जो होता है नोरएडेनालिन का, उसमें क्या बताया कि टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द ब्लड वेसल्स एक्सेप्ट द कोरोनरी आर्टरी, यानी कि हार्ट की कोरोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करके और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है. इसी तरह से एडेनालिन जो होता है वो बॉडी को तैयार करता है किसी भी ऐसे इमोशनल ट्रोमा, इमोशनल स्ट्रेस या कोई भी ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन, उसमें फाइट या फ्लाइट की आवश्यकता होती है, डिसाइड करके तुरंत से किसी भी फियरफुल कंडीशन से फाइट करने में जो है ना ये हॉर्मोन हमें एडेनालिन जो है ये बहुत हेल्पफुल होता है. अब आते हैं इसके एक्शंस, कि एक्शंस ऑफ एडेनालिन एंड नोरएडेनालिन, ये दोनों हॉर्मोन्स के एक्शन कैसे कैसे क्या रहता है इसमें. इसे बताया कि एडेनालिन एंड नोरएडेनालिन स्टिमुलेट्स नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है. एडेनालिन हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन मेटाबॉलिक फंक्शंस एंड बोथ एडेनालिन एंड नोरएडेनालिन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसके मेटाबॉलिक सिस्टम में भी और एज वेल एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर भी इसके जो है एक्शन रहते हैं. एक्शन के रिगार्डिंग हम जो है ना अभी आगे कंटिन्यू जो है हम आगे देख रहे हैं. तो फर्स्ट इसमें हम जो है देखेंगे कि ऑन मेटाबॉलिज्म, कि दोनों ये जो हॉर्मोन्स हैं एडेनालिन और नोरएडेनालिन, इनका जो है मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है. तो एडेनालिन इन्फ्लुएंसेस द मेटाबॉलिक फंक्शंस मोर देन द नोरएडेनालिन, कि मेटाबॉलिक फंक्शंस में जो है ज्यादा एक्शन जो है ना एडेनालिन का होता है बजाय कि नॉन एडेनालिन का. अब इसमें जैसे जनरल मेटाबॉलिज्म में क्या रहता है कि जैसे एडेनालिन जो है वो ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ा देता है और CO2 को जो है ना उसको रिमूव करता है, और इस तरह से जो है ना इट इंक्रीजेस द बेसल मेटाबॉलिक रेट. इसमें क्या रहेगा कि ये टोटल ऑक्सीजन कंजप्शन बॉडी की जो है ना बढ़ा देता है और CO2 को जो है ना आउट करेगा. ऐसे करने से क्या रहता है कि टोटल बॉडी का जो है मेटाबॉलिक रेट जो होता है, जिसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो जो है ना बढ़ जाता है. सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैलोरोजेनिक हॉर्मोन, कि जो भी अगर मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा ठीक है तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन और बॉडी को जो है ना कैलोरी जनरेट करने के अंदर जो है ना इसमें हेल्पफुल होता है. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैलोरोजेनिक हॉर्मोन. अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म. अब ये इसमें बताया कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म कैसे हेल्पफुल रहते हैं, कि जो एडेनालिन जो होता है इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है. कैसे? बाय इंक्रीजिंग द ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है इन लीवर एज वेल एज इन मसल्स. सो ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज एंटर्स इन द ब्लड सर्कुलेशन. कैसे रहेगा? क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है. कैसे बढ़ाता है? बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजेनेसिस, की ग्लूकोज की फॉर्मेशन को बढ़ा देता है. ठीक है ना, ग्लूकोज की फॉर्मेशन को बढ़ा देता है और ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो है ग्लूकोज की मात्रा जो है ना वो बढ़ जाती है. नेक्स्ट आता है फैट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म. इसमें क्या बताया गया कि एडेनालिन जो है कॉजेज मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम द एडिपो टिश्यू, कि एडिपो टिश्यू के अंदर जो भी फ्री फैटी एसिड होते हैं उनको मोबिलाइजेशन करता है और उनके जो है ना डाइजेस्ट करने के अंदर फैट जो है उनको लिक्विफाई करके और उनको मेटाबोलाइज करता है. नेक्स्ट है अभी था ये ऑन मेटाबॉलिज्म के ऊपर की क्या कुछ जो है ना इसके एक्शन रहते हैं. अब आता है ऑन ब्लड, कि ब्लड के ऊपर जो है इसका क्या एक्शन रहते हैं हॉर्मोन्स के. इसमें बताया गया कि एडेनालिन डिक्रीजेस द ब्लड कोगुलेशन टाइम, कि ब्लड के कोगुलेशन टाइम को जो है ना ये डिक्रीज करके घटा देता है, कि ब्लड के जमने की जिस समय को जो है ना घटा देता है. इट इंक्रीजेस द RBC काउंट इन ब्लड बाई
contracting smooth muscles of and splenic capsules and releasing RBC from spleen into the circulation. ये टोटल आरबीसी काउंट को जो है ना उसके सर्कुलेशन के अंदर जो है बढ़ाता है। अब आता है नेक्स्ट ऑन हार्ट कि हार्ट के ऊपर इसके क्या एक्शन रहते हैं। इसमें बताया गया कि एड्रेनालिन हैज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट्स ऑन हार्ट रेदर देन द नॉन एड्रेनालिन। व्हाई? ऐसे बिकॉज इट इंक्रीजेज द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, कि हार्ट की जो भी एक्टिविटी जो होती ना उनको ओवरऑल उनको बढ़ाने में जो है ना ये हेल्प करता है। जैसे कि इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट, उसके हार्ट के रेट को बढ़ा देता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन की जो एबिलिटी होती है उस फोर्स को बढ़ा देता है। लास्ट में थर्ड वन इज एक्साइटेबिलिटी ऑफ हार्ट मसल्स, कि इट इंक्रीजेज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ हार्ट मसल्स, हार्ट की जो मसल्स होती है एक्साइटेबिलिटी जो है ना उसके रिदम को बढ़ा देता है। और लास्ट वन है कंडक्टिविटी ऑफ इन हार्ट मसल्स, इट इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्शन जो है रेट ऑफ कंडक्शन जो है हार्ट मसल्स का उसकी कंडक्टिविटी को जो है रेट को जो है ना ये इंक्रीज करता है। अब नेक्स्ट आता है ऑन ब्लड वेसल्स, के ब्लड वेसल्स के ऊपर इन दोनों हार्मोन्स के क्या एक्शन रहते हैं। इसमें बताया गया कि नोरएड्रेनालिन हैज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। कैसे? इट कॉजेज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी। कैसे करेगा कि नोरएड्रेनालिन, नोरएडीआर जो होता है इसका इफेक्ट ब्लड वेसल्स के ऊपर ज्यादा होता है। कैसे? इट कॉजेज द, क्योंकि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और कॉन्स्ट्रिक्ट करने से क्या रहेगा कि टोटल जो है ना बॉडी ब्लड वेसल्स जो है थ्रू आउट द बॉडी, इट कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी, सो इट इज कॉल्ड ए जनरल वैसो कंस्ट्रिक्शन। इसीलिए इसको जो ना यूजली जनरल वैसो कंस्ट्रिक्टर भी कहा जाता है। और इसी तरह से एड्रेनालिन, एड्रेनालिन ऑल्सो कॉजेज कंस्ट्रिक्शन, ये भी कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है वो ब्लड वेसल्स। हाउएवर इट कॉजेज डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इन स्केलेटल मसल्स, लीवर एंड हार्ट। ये काम तो ये भी जो है कॉन्स्ट्रिक्शन का करेगा, लेकिन साथ साथ में डायलेशन का काम भी करता है। कहाँ पे? इन स्केलेटन मसल के अंदर, लीवर के अंदर और हार्ट के अंदर। नेक्स्ट है ऑन ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर पर क्या एक्शन रहेंगे कि एड्रेनालिन जो है इट इंक्रीज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बट इट डिक्रीज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वहीं पे जो नोरएड्रेनालिन है कि इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एज वेल एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या बताया कि एड्रेनालिन तो जो है ना ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटाता है। वहीं पे नोरएड्रेनालिन जो होता है ना ये डायस्टोलिक एज वेल एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों को जो है ना ये इंक्रीज करता है। नाउ ऑन रेस्पिरेशन, एड्रेनालिन इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये जो है ना रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट को जो है ना बढ़ाता है, उसके फोर्स को भी बढ़ाता है। और दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रोंकोडायलेटर, यानी कि इट ऑल्सो कॉजेज ब्रोंकोडायलेशन, कि जो ब्रोंकस को जो है ना डायलेट करता है, जिससे कि इजीली जो है ना CO2 का जो इंटेक होता है, सॉरी नॉट CO2, O2 का इंटेक होता है, और CO2 जो है ना वो हम एक्सपेल आउट करते हैं। ऑन स्किन, स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट्स हैं कि एड्रेनालिन जो होता है ना ये इट इंक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ स्वेट, यानी कि स्वेट ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन जो होता है ना उनको जो है ना ये बढ़ा देता है। ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS पे क्या इफेक्ट करेगा कि एड्रेनालिन जो है ना इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। एंड एड्रेनालिन सिक्रीशन इंक्रीजेज ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन, यानी जब भी बॉडी को समटाइम जो है ना या पर्सन को फाइट, यानी किसी भी ऐसी इमोशनल ट्रोमा, इमोशनल स्ट्रेस या ऐसी कोई कंडीशन को अपने फेस करना पड़ता है तो वहाँ पे उसको डिसाइड करना रहता है कि उसे फाइट करना है फ्लाइट करना है, ठीक है ना। तो उससे भी फाइट जो, ये जो एबिलिटी जो है ना ये एड्रेनालिन की सिक्रेशन के बाद ही जो है ना बॉडी के अंदर जो डेवलप होती है, ठीक है ना। तो क्या बताएगा, एड्रेनालिन सिक्रेशन इंक्रीजेज ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन आफ्टर एक्सपोजर टू स्ट्रेस, यानी कि इमोशनल ट्रॉमा। अब आते हैं रेगुलेशन, इनके रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन जो है कैसे होता है ADR का और नॉन ADR का। इसमें क्या बताएगा कि एड्रेनालिन एंड नोरएड्रेनालिन आर सिक्रेटेड फ्रॉम एडल मेडुला इन स्मॉल क्वांटिटी इवन ड्यूरिंग रेस्ट, कि रेस्ट पीरियड के अंदर भी जो है ना ये क्वांटिटी इसकी जो है ये लगातार सिक्रेट होती रहती है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। लेकिन इसका सिक्रेशन बढ़ता कब है, किसी भी ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन या इमोशनल स्ट्रोमा, इमोशनल स्ट्रेस, ऐसी कंडीशन के अंदर जो है ना कैटेकोलामाइन का सिक्रेशन जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है टू फाइट या टू कोप विद दैट सिचुएशन। दीज हॉर्मोन्स प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन, वही बात दोबारा से आती है कि ये हॉर्मोन जो होती है ना बॉडी को जो है बॉडी को पर्सन को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि कौन सी कंडीशन में टू फाइट और फ्लाइट कंडीशन को जो है डिसाइड करने में हेल्पफुल होते हैं। अब लास्ट वन है डोपामीन,
ठीक है ना। डोपामिन में क्या बात, डोपामिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाई एडल मेडुला, ये भी एडल मेडुला से ही सिक्रेट होता है, ये थर्ड जो है ना हार्मोन है ये। एंड टाइप ऑफ सेल्स जो सेल्स को सिक्रेट करती हैं, टाइप ऑफ सेल्स सिक्रेटिंग दिस हार्मोन इज नॉट नोन, इसको जो जिन सेल्स से ये रिलीज होता है उसका जो है ना द टाइप ऑफ सेल्स विच सिक्रेट दिस हार्मोन जो है नॉट नोन। इन ब्रेन दिस हार्मोन एक्ट्स एज न्यूरोट्रांसमीटर, ब्रेन के अंदर जो है ना ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना वर्क करता है। अब जो इंजेक्शन जो दिए जाते हैं, इंजेक्टेड डोपामिन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स, समटाइम इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर डोपामिन देते हैं हमको, क्या बॉडी पे इफेक्ट आता है उसके रिगार्डिंग क्या बताया है, ये है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन बाई रिलीजिंग द नोरएपिनेफ्रिन, ठीक है ना। इंजेक्टेड डोपामिन, डोपामिन जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा इन इंजेक्शन फॉर्म, तो इट कॉजेज वैसो कंस्ट्रिक्शन बाई रिलीजिंग द नोरएपिनेफ्रिन। और नेक्स्ट क्या करेगा, वैसो डायलेशन इन मेसेंट्री, मेसेंट्री के अंदर जो है ना वैसेस को जो है डायलेट करता है, और इंक्रीज द हार्ट रेट, हार्ट के रेट को जो है ना बढ़ा देता है। इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक और एज वेल एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है ये, ठीक है ना। तो ये इसके इफेक्ट बताए गए हैं कि जब डोपामिन को अगर इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाएगा तो बॉडी में क्या कुछ इफेक्ट्स आते हैं, तो एक तो वैसो कंस्ट्रिक्शन बाय रिलीजिंग नोरएपिनेफ्रिन, वैसो डायलेशन होती है, और इट इंक्रीज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और इट इंक्रीज द हार्ट रेट, के हार्ट के रेट को बढ़ा देता है। अब डेफिशिएंसी, समटाइम अगर डोपामिन की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो उससे भी जो है ना बॉडी के अंदर कुछ इफेक्ट्स आते हैं, कुछ जो है डिजीज को जनरेट करता है। इसमें क्या बताया कि डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन इन बेसल गैंग्लिया प्रोड्यूसेस नर्वस डिसऑर्डर, से नर्वस डिसऑर्डर बनता है जिसको कि जो है ना पार्किंसनिज्म बोलते हैं। सो हियर इट एंड्स द टॉपिक एडल्ट मेडुला। Hope you people have understood very well. Thank you.